पाली जिले में सुमेरपुर नगर पालिका के तत्वावधान में 7 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में नगरवासी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नगर के बड़े और छोटे मंदिरों को लाइट डेकोरेशन और फूलों से सजाया जा रहा है। तो वहीं पूरे तखतगढ़ को केसरिया रंग से सजाया गया है। इसी क्रम में समाज सेवी सुधीर चौधरी ने बताया कि 22 जनवरी को पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने राम जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसको लेकर संपूर्ण तैयारियां की जा रही है। और नगर के श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों के तत्वावधान में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करीबन 1000 से ज्यादा महिला कलश यात्रा में भाग लेंगी। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। कल के कार्यक्रम में सबसे पहले 11 बजे विशाल कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा में कई यानी अपने गणमान्य नागरिक हैं और हैं कई महाराज जी, उनका सानिध्य रहेगा। उसके पश्चात शाम को रामलीला का मंचन होगा, जिसमें रावण वध तथा राम जी का राज्याभिषेक होगा। और 22 तारीख को सुबह 12 बजे मुख्य चौराहे के ऊपर भगवान राम की मूर्ति का अनावरण होगा तथा शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। क्या मंदिरों को सजाएगी? नगर के सारे मंदिर, लगभग 65 से 70 मंदिर, साथ में मुस्लिम समाज के की दरगाह और जो मस्जिद है उसके ऊपर भी डेकोरेशन और लाइट का काम किया गया है।